लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर में वेपर प्रेशर के बारे में कुछ जाना था। आज की क्लास में हम वेपर प्रेशर में आगे बढ़ेंगे, कुछ और जानेंगे, थोड़ा बहुत और समझेंगे। देखिए, आप लोगों ने जाना कि पी नॉट ए इज इक्वल टू पी ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए था, ये आपने जान लिया था। अब आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए कि आपके पास वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर है और आपका ये मोल फ्रैक्शन है और आप मोल फ्रैक्शन ए का यहाँ पे जीरो है और ये बढ़ाते जा रहे हैं, और एक समय ऐसा आया कि इस जगह पे मोल फ्रैक्शन वन हो गया। तो जब आपका मोल फ्रैक्शन वन हो गया तो पी नॉट ए पी ए के क्या हो गया, बराबर पी नॉट ए इज इक्वल टू पी ए इंटू वन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के बराबर हो गया। दैट मीन्स कि वेपर पर जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ए का बढ़ेगा, उल्टा लिख दिया है ना, ये उल्टा लिख दिया, जैसे जैसे ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और कहाँ तक जाएगा, जब तक कि जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वन हो जाए तो उस समय पी नॉट ए के बराबर पी ए हो जाएगा। मतलब ये जो हमारा ये हो जाएगा पी नॉट ए, ठीक है, इस जगह पर पी नॉट ए है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको बोला जाए कि ये जगह पर क्या है, तो इस जगह पर पी ए है भाई, इस जगह पर पी ए है, क्योंकि अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन वन नहीं है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन वन नहीं है तो पार्शियल प्रेशर जो होगा वो प्योर के से क्या होगा, कम होगा, प्योर से कम होगा। तो यहाँ पर भाई हर जगह पर चाहे कहीं भी लाइन खींच दीजिए तो वहाँ पर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर जो ओरिजिनल लिक्विड होता है, जो प्योर लिक्विड होता है उससे कम होगा। लेकिन जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वन हो जाएगा, इसका मतलब है कि उसके अंदर सोल्यूट नहीं है, और जब सोल्यूट नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन वन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि आपके पास सोल्यूट है और आप मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कर रहे हैं, बी बढ़ाते जा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आप क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है, जीरो है, और मान लीजिए कि इस जगह पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है, वन है, इस जगह पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है, वन है, हमने मान लिया कि वन है। तो आप जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता है, वन। अब अगर बी की वैल्यू वन हो गई तो ए क्या हो गया, जीरो हो गया, ए जीरो हो गया, इसका मतलब है कि सॉल्वेंट पूरा गायब हो गया, केवल क्या बचा, सोल्यूट। और हम अभी तक जो कंडीशन पढ़ रहे थे उसमें हमारा सोल्यूट कैसा था, नॉन वोलाटाइल था, नॉन वोलाटाइल था, जिसका वेपर प्रेशर क्या होता है, जीरो होता है। तो जब बी बढ़ रहा होगा, जब बी बढ़ रहा होगा तो ए घट रहा होगा, जब बी बढ़ रहा होगा तो ए घट रहा होगा, ये ऐसे जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, ये ऐसे इस तरीके से जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब बी जीरो रहा होगा, बी जीरो रहा होगा तो वन कौन रहा होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और जब वन रहा होगा तो फिर पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी नॉट ए। तो यहाँ पर तो पी नॉट ए है, यहाँ पर तो पी नॉट ए है, लेकिन आप जैसे जैसे बी बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होता जा रहा है भाई, ये बढ़ाते जाएंगे तो ये घटता जाएगा, क्योंकि दोनों का सम वन आना चाहिए, तो ये घटता जाएगा। जब ये घटता जाएगा और बी बढ़ाते जाएंगे, ये घटता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि बी वन कर देंगे तो ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब ए जीरो हो जाएगा
तो जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि बी का तो कोई वेपर प्रेशर है ही नहीं। ठीक है, तो ये एक ग्राफिकल कॉन्सेप्ट है जिसको आप समझिए। अभी हम बाइनरी लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें हम बाइनरी मिक्सर की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें हम सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को वोलाटाइल ले लें। अभी हम बात कर रहे हैं केवल किसकी, कि सॉल्वेंट वोलाटाइल है और सोल्यूट वोलाटाइल नहीं है। ठीक है, तो सॉल्वेंट वोलाटाइल है और सोल्यूट वोलाटाइल नहीं है, तो ऐसे केस में आप ये वाला ग्राफ बनाएंगे। अब चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ा जाए। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, थर्टी ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 90 ग्राम वाटर। हम 45 ग्राम ले लेते हैं, 45 ग्राम वाटर। फाइंड ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें और दे दें आपको, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट गिवन टेम्परेचर इज 300 टोर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट गिवन टेम्परेचर इज 300 टोर। देन फाइंड कई चीज़ें फाइंड करनी है आपको। फर्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सेकंड है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, थर्ड है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। भाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हमने बोला था RLVP, मतलब हमको ये तीन चीज़ें क्या करनी है, तीन चीज़ें हमको, एक चीज़ और ले लेते हैं इसमें, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन की मोलालिटी भी काउंट कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो अब हमारे पास सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हम पहले ये जान लें कि हमारा यूरिया नॉन वोलाटाइल है और वाटर क्या वोलाटाइल है। यूरिया नॉन वोलाटाइल है, वाटर वोलाटाइल है। तो जो आप PA इज इक्वल टू P0A मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालते हैं, ये क्या हो गया, PS हो गया। PS हो गया मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया, क्योंकि भाई पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट का तो कोई वेपर प्रेशर है ही नहीं, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि सॉल्यूट का कुछ होता तब ना जुड़ता भाई, तो यूरिया का तो कुछ होगा नहीं क्योंकि यूरिया सॉलिड है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 300। ठीक है, अच्छा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कौन है, सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 बाई 18 प्लस 30 बाई 60। यूरिया का मॉलिकुलर मास कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो गया, तो ये आपका फाइव बाई टू हो गया, भाई 9 से डिवाइड कर दीजिए तो ये भी क्या हो गया, 5/2 हो गया और ये 1/2 हो गया। ठीक है, तो ये 6/2 हो गया,
और ये 6/2 हो गया, फिर ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/6, ये वैल्यू आ जाएगी, समझ पा रहे हैं। तो ये वैल्यू आ गई 5/6 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिख दें 5/6, और ये क्या करते हैं डिवाइड कर दें ऐसे, तो ये आ जाएगा 250। तो हमारा जो पहला आंसर है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो कितना आया 250। फर्स्ट आंसर हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 250। ध्यान से देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हमने ए किसको मान रखा है, हमेशा सॉल्वेंट को, और बी किसको मान रखा है, सॉल्यूट को। आप चाहें तो एक जगह पे यहाँ पे H2O लिख सकते हैं, थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है। चलिए अच्छा इसको मिटाएं, दूसरा पार्ट करें इसका। तो दूसरा पार्ट इसका जो है वो क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये हो गया पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, नहीं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि देखो मुझे खुद भी फॉर्मूला नहीं याद रहता है। चलिए तो हमारा पी एस इज इक्वल टू क्या था, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी एस इज इक्वल टू क्या था, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो गया, बी हो गया। तो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो गया, ठीक है। तो हमारा जो ये आ गया पी नॉट ए माइनस पी एस, ये क्या हो गया पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बराबर हो गया। अब हमको ये निकालना है, ये निकालना, तो ये निकालना है। तो आप दोनों तरीका है आपके पास भाई, या तो आप इसको क्या करिए भाई, ये 300 है और ये आपने अभी 250 निकाला था, तो कितना कर सकते हैं आप इसको 50 बोल सकते हैं, या तो फिर आदमी आप इससे सॉल्व कर लीजिए। जैसे सॉल्वेंट का जब मोल फ्रैक्शन 5/6 है तो सॉल्यूट का कितना होगा 1/6 होगा, तो जब 1/6 होगा तो 300 इंटू 1/6 कितना आ जाएगा 50। दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा आपका, चाहे आप इससे लगा लें और चाहे आप इससे लगा लें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि अगर एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन 1 में से माइनस करके निकाल लेते हैं। तो ये तरीका है, सेकंड हमने सॉल्व किया। अब हमारा जो पार्ट है वो कौन है, थर्ड है। थर्ड क्या है, लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। थर्ड क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। थर्ड है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो होता है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जानते हैं तो हमको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं कि भैया इससे कैसे निकलेंगे, तो इससे निकलेगा 300 अपॉन 250 माइनस 250 अपॉन 300, ये आ जाएगा 50/300 और ये होगा 1/6। दोनों किससे किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप चाहे इस फॉर्मूले में सारी चीज़ें रख के निकालिए, चाहे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है उसी से कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। तो अब बात करते हैं किसकी, चौथी की, नाम है क्या, मोलालिटी। फोर्थ वाला क्या है, मोलालिटी है।
तो मोलालिटी में क्या किया जाए, मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो आइए जरा मोलालिटी का फॉर्मूला निकाल दिया जाए। आप जानते हैं कि पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, भाई यहाँ पे ए बोलिए चाहे सोल्यूशन बोलिए, भाई जब तक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट का कोई वो नहीं है वेपर प्रेशर, तब तक यही ए जो है वो सोल्यूशन का है, चाहे पी एस लिख दीजिए चाहे पी ए लिख दीजिए। ये किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बराबर है, ठीक है। अब हमने क्या किया इसमें, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू, इसको क्या कर दिया, एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए, ये कर दिया। कोई समस्या, कोई नहीं, इसको ले आए ऐसे, यहाँ पे कर दिए पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू एन बी प्लस एन ए अपॉन एन बी। क्या किया हमने इसमें, हमने क्या करा, इक्वेशन पलट दिया, इसको और इसको क्या करा, पलट दिया, पलट के ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया वन प्लस एन ए अपॉन एन बी, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, ये पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए, ठीक है। अब ये वन को इधर लेते आइए, तो हो जाएगा पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए माइनस वन इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, थोड़ी जगह की ज़रूरत पड़ेगी ना भाई, तो हम लोग जगह लेके चलते हैं, यहाँ तक मिटा देते हैं, ध्यान समझिएगा। फॉर्मूला निकाल रहे हैं, फॉर्मूला निकाल रहे हैं आपके लिए, फार्मूला निकाल के दे दे रहे हैं। जैसे आप डायरेक्ट सॉल्व करना होता मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता, लेकिन फार्मूला निकाल के सॉल्व करना, इसको सॉल्व करने से आप लोगों को एक फार्मूला मिल जाएगा, तो हम एक तरीके से डेरिवेशन भी कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ देखिए, पी नॉट ए, अब वो मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस पी नॉट ए प्लस पी ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, एन ए अपॉन एन बी। अब ये माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए कैंसिल हो गए, क्या आया, पी ए अपॉन, लिखते रहो पी नॉट ए पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। हमको मिटाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हम तुरंत मिटा देंगे, लिखते रहना फास्ट। तो अब ये क्या होगा कि आप अब एक बार फिर इसको पलटेंगे, एक बार फिर क्या करेंगे, इसको पलटेंगे, तो एक बार फिर पलट दिए हम लोग, तो ये क्या हो गया, एन बी अपॉन एन ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए, ये फार्मूला हो गया हमारा। मतलब एक फार्मूला आप ये भी यूज कर सकते हैं, एक फार्मूला आप ये भी यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप जानते हैं कि एन बी सोल्यूट है, डब्ल्यू बी एम डब्ल्यू ए एम ए इज इक्वल टू पी नॉट ए पी ए अपॉन पी ए, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। हमने क्या करा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को हमने कैसे लिख दिया, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये एम है क्या है, सॉल्वेंट का मॉलिकुलर वेट है। लेकिन अगर हमको मोलैलिटी निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम नहीं चाहिए, हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम चाहिए। तो किलोग्राम चाहिए तो हमको 1000 से ऊपर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो डब्ल्यू एन बी इंटू 1000 इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। अब ऐसा तो है नहीं कि एक तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी तरफ नहीं करेंगे आप। पी ए अपॉन पी ए इंटू क्या कर देंगे आप 1000, दोनों तरफ 1000 से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इतना पोर्शन क्या हो गया, मोलालिटी हो गया। इतना पोर्शन क्या हो गया, मोलालिटी हो गया। तो जब इतना पोर्शन मोलालिटी हो गया तो हमारा जो है मोलालिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए इंटू 1000 अपॉन पी ए इंटू एम ए। ये हो गया मोलालिटी का, ये मैंने सॉल्व करके रख दिया। देखिए मोलालिटी का फॉर्मूला ये है, अभी तक आपने ये देखा ही था। मैंने मोलालिटी का एक फॉर्मूला और लिखा है, ये हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ रखा था, तो आप इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं। तो आप ये जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है, 1/6 है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है, 5/6 है। तो 1/6 अपॉन 5/6 किया तो ये 200, ये कितना आ गया, 5 से कैंसिल हुआ, ये 200 अपॉन कितना आ गया, 18। अच्छा इस फॉर्मूले को चेक कर लेते हैं कि इस फॉर्मूले से ये आ रहा है कि नहीं। तो ये 300 है, ये 250 है, और ये कितना है, 250 है। तो ठीक है, अच्छा हाँ ठीक, तो ये हो गया 50, और ये 50 से 250 कैंसिल किया कितना हो गया, 5। और 5 का 1000 में डिवाइड किया तो 5 का 1000 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 अपॉन 18। मतलब दोनों ही फॉर्मूले से हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ पा रहे हैं आप। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको लिख लीजिएगा, है ना, इसको लिख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन किया जाए। पूरा गमछा बेकार कर दिया मैंने तो, अच्छा खासा था। अब ऐसा करते हैं ना, गमछा तो बेकार हो ही गया है, अब इसको फाड़ देते हैं। इसको फाड़ के 4-5 टुकड़े बना लेते हैं, है? नहीं, गमछा तो बेकार हो ही गया है, कि धो के सही हो जाएगा, धो के सही हो जाएगा। तो चलो ठीक है, धो ही देंगे तो नुकसान हो जाएगा ना, मम्मी भी चिल्लाएगी। तो हाँ भाई, थोड़ा सा हमारे यहाँ पर जो हम लोग कितने भी बड़े हो जाएं पर हमारे यहाँ पे चप्पल से मार पड़ती है, और वो भी उड़ती हुई चप्पल आती है हमारे ऊपर, तो इसलिए इस खौफ से कोई बच नहीं सकता, और डर तो लगता है। उड़ती हुई चप्पल जब पड़ती है ना, तो मैं ये भी समझता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट जो हमारे होते हैं वो खुल जाते हैं तुरंत। जैसे माँ की जब उड़ती हुई चप्पल पड़ती है, बेलन पड़ती है उड़ती हुई, मेरे यहाँ तो बेलन और झाड़ू भी उड़ता हुआ आता है, तो वो फिर मैं कूद के भागता हूँ, पैर पे पड़ता है और पैर पे, फिर हमको बस ये रहना है कि बचपन से हमें ट्रेनिंग मिली हुई है कि बस कूदो उस जगह पे, जिस जगह पर। और मेरी माँ भी ऐसे फेंकती है कि लगे ना, और हम लोगों को ये लगता है कि कूदे नहीं तो लग जाएगा, तो ये अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कभी कभी लग जाता है, कभी कभी हम लोगों को लग जाता है, कभी कभी हम लोग मजाक समझते हैं कि मजाक कर रही है तो चोट लग जाती है। तो खैर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस वेपर प्रेशर बाई 20%। क्वेश्चन लिख दिया जाए, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 180 ग्राम
वाटर टू रिड्यूस वेपर प्रेशर, टू रिड्यूस वेपर प्रेशर बाई 20%। ठीक है, देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए आपके सामने ध्यान से समझिएगा, जब भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका पी नॉट ए है वो 100 है, पर पूरा तो 100 था, पर किसी भी परसेंट को निकालते तो पूरा क्या होता 100 होता, और जो पी ए है वो क्या है ये देखना पड़ेगा कि रिड्यूस बाई है या रिड्यूस टू है, बाई लिखा है या टू लिखा है। अगर रिड्यूस बाई लिखा है तो मतलब 100 में 20 कम हो गया, 80 हो गया, और अगर रिड्यूस टू लिखा है तो इसका मतलब है कि 100 को ये 20 तक ले गया है, मतलब पी ए की वैल्यू 20 हो गई। अभी रिड्यूस बाई दिया हुआ है तो हमारा 20 कम हो गया तो कितना हो गया 80 हो गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, इसको लिख दिया पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। ठीक है, एन बी प्लस एन ए ये हमको पता है, ये कितना है 100, ये कितना 80, ये कितना 100, और ये कितना, ये एन बी अभी मान लेते हैं, और ये 10 मोल है क्योंकि 180 में 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये आ गया हमारा 20/100, हम इसको 2/10 बोल सकते हैं, और ये हो गया एन बी प्लस 10। ठीक है, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई किया 10b। ठीक है, तो ये हो गया 10nb इज इक्वल टू 2nb प्लस 20 है, दोनों दो से मल्टीप्लाई किया ना दोनों में ऐसे, तो अब इसको इधर ले आए तो ये हो गया 8nb इज इक्वल टू 20, तो nb इज इक्वल टू हो गया 20/8 है, NB हो गया 20/8। NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है ग्लूकोज है, हमको वेट ऑफ ग्लूकोज बताना है, वेट ऑफ ग्लूकोज को WB मान लिया, और मॉलिकुलर वेट इसका 180 है, ये है 20/8, तो WB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 × 180/8। ठीक है, नहीं जीरो से जीरो कुछ कैंसिल तो होने वाला नहीं है, तो 450 ग्राम आ गया। 450 ग्राम ग्लूकोज अगर आप 180 ग्राम वाटर में डाल दें तो उसका वेपर प्रेशर 20% रिड्यूस हो जाएगा। अब ऐसे बहुत खतरनाक नहीं लग रहा है कि 180 ग्राम पानी मतलब लगभग एक ग्लास, और उसमें आपने ग्लूकोन डी का पैकेट जो 100 ग्राम का है उस तरह का आपने 4.5 पैकेट डाल दिया, घुसा कैसे भैया, हम लॉजिक लगाएंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमने क्वेश्चन कर लिया, लॉजिक नहीं लगाया कि भाई हटा। ठीक है, अच्छा अब इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं, रिड्यूस्ड वेपर प्रेशर टू 40%, रिड्यूस वेपर प्रेशर टू 40%। अब 240% का मतलब क्या हो गया कि ये 40% हो गया, अब 40% हो गया, तो ये हमारा हो गया 40। अब इसको हम 40 100 में से माइनस करके नहीं बनाएंगे, अब ये हमारा 40 हो ही गया है, तो अब ये 40 हो गया तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हाउ मेनी ग्राम ग्लूकोज अभी हमको कैलकुलेट करना ही है, तो ये हमारा क्या हो गया 40। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, अगर देखा जाए तो ये कितना हो गया 6 6/10,
समझ गए भाई, एक क्वेश्चन का तरीका है, बाकी तो क्वेश्चन वैसे ही करना है। तो ये हमारा एन बी आ गया। अब हम एन बी निकालना चाहे यहाँ पर, तो इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। इसको मिटाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे हम 6NB प्लस, या ऐसे लिख देते हैं ना, 10NB इज इक्वल टू 6NB प्लस। हाँ तो बच्चों क्या है कि हमने इसमें निकाल लिया यहाँ तक, इसके बाद मैंने सॉल्व कर दिया, वो पावर कट हो गया था अचानक। तो 6/10 NB प्लस 10, अब हमारा ये हमने कर दिया, इसको इधर ले आया, 4NB आ गया इंटू 60, तो NB इज इक्वल टू कितना हो गया 60/4। अब 60/4 हो गया, तो अब हम इसको W/180 कर दिया। ग्लूकोज का मास निकालना था, और ग्लूकोज का मास कितना आ गया 2700 ग्राम। इतना मास पानी का 180 ग्राम पानी में डिजॉल्व हो पाएगा। अब ऐसे ये तो यही बात होगी कि एक ग्लास में एक ट्रक डाल दो ग्लूकोज, तो खैर क्वेश्चन है, करना तो है। अब आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस का जब आप कर लेते हैं ना, तो क्वेश्चन कर लेते हैं तो उससे आपको कुछ फ़ायदा मिल जाता है, वरना बहुत दिक्कत होती है। 20 ग्राम क्वेश्चन है आपका, 20 ग्राम अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, 20 ग्राम अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डिजॉल्व इन 156 ग्राम बेंजीन। इफ वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 200 मिलीमीटर एंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज 150 मिलीमीटर Hg, देन फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ये जो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, इसी का मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना है, ठीक है भाई। तो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, सोल्यूशन की बात करते हैं कि कैसे इसका निकाला जाए। तो देखिए बच्चों के, सबसे पहले आप क्या करेंगे, P0A - PA/P0A इज इक्वल टू है, P0A PA/P0A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 20 मॉलिकुलर मास एक्स मान लिया, सोल्यूट का मॉलिकुलर मास एक्स मान लिया, 20 X प्लस 156/78। बेंजीन का मॉलिकुलर मास कितना होता है, 78 होता है, ठीक है। तो आप इसको आपने यहाँ पे लिख दिया, ये कितना था, 200 - 150/200 इज इक्वल टू, ये इसको NB मान लेते हैं अभी, बाद में इसको 20 X कर लेंगे, NB मान लेते हैं। तो ये हमारा हो गया NB/NB प्लस 2, ठीक है। ये हो गया 50 और ये हो गया 200, तो ये हो गया कितना, 1/4, ये कितना हो गया 1/4, 1/4 NB/NB प्लस 2 NB upon
एन बी प्लस टू, तो हो गया 4NB इज इक्वल टू एन बी प्लस टू, ऐसे लिख दिया हमने। अब देखिए 3NB इज इक्वल टू कितना हो गया 2, तो NB इज इक्वल टू कितना हो गया 2/3। अब आप जानते हैं कि टोटल वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट MB का मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू कितना हो गया 2/3, तो ये MB कितना हो गया 60/2 और ये कितना आ गया 30। तो इसका मतलब मोलर मास ऑफ जो अनोन सॉल्यूट था नॉन वोलेटाइल उसका क्या हो गया 60 हो गया। तो हमारे पास 60 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, 60 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब तो आप जान समझ ही रहे कि वो उड़ेगा नहीं। इज डिजॉल्व इन डिजॉल्व इन 360 ग्राम वाटर, 360 ग्राम वाटर एट 100 सेल्सियस। इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 570 मिलीमीटर Hg, देन फाइंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो अब हमको लिखना क्या है सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूट को बी मानते तो हमारा ये हो गया पी नॉट बी, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए, ये हो गया। अब आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, थोड़ी सी चालाकी कई बार देखिए आपको दो चीज़ें नहीं दी है, एक तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया है वो तो आपको निकालना है, लेकिन आपको प्योर वाटर का वेपर प्रेशर भी नहीं दिया, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर नहीं दिया है। तो आपके दिमाग में बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आनी चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आनी चाहिए। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 सेल्सियस, आपको 100 सेल्सियस दिया हुआ है। जब भी किसी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट दे दे तो उस टाइम पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, ये हिंट दिया है क्वेश्चन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। मतलब पी नॉट ए जो होगा वो 1 atm होगा, लेकिन आपको प्रेशर atm में तो दिया नहीं है, तो आप 1 atm इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर Hg या 760/1 atm, 1 atm इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर Hg, 760 टोर, 76 सेंटीमीटर Hg, 1.013 bar, 1.013 × 10^5 pascal, ये 1 atm है। तो 1 atm प्रेशर, जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात आएगी तो वो 1 atm ले लेंगे। अब 1 atm ले लेंगे तो हम देखेंगे कि हमको सॉल्यूशन का प्रेशर किस यूनिट में दिया है, उसी यूनिट में हम पी नॉट का पी नॉट ए को रखेंगे, तो हमें 760 रखना होगा माइनस 570 अपॉन 760 इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन बी प्लस
Na कितना है 360/18, 360/18 ही करना होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अब अगर इसको इसमें से माइनस करें तो ये हो जाएगा 190/760 इज इक्वल टू Nb/Nb प्लस, ये कितना हो गया 20, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी प्रकार की समस्या नहीं। इसको भी थोड़ा सा इधर कर देते हैं ऐसे अलग, तो इधर कैलकुलेशन करते हैं। अब ये कितना हो गया 1/4, ये हो गया Nb/Nb+20, तो हो गया हमारा 4Nb = Nb+20, 3Nb = 20, Nb = 20/3, और इसका वेट कितना दिया है 60, मॉलिकुलर वेट हमको नहीं पता, और ये कितना हो गया 20/3। तो 20/3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई किया और 20 से डिवाइड किया, Mb = कितना हो गया 180/20, यही तो होगा 180/20, तो ये आ जाएगा कितना 9, मॉलिकुलर मास कितना आ गया आपका 9 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होता है जब 100 सेल्सियस दे देता है आपको, बॉइलिंग पॉइंट दे देगा किसी का भी, मान लीजिए वाटर का है तो 100 सेल्सियस दे दिया, और एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बोल दे, एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टॉलविन बोल दे, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टॉलविन या बेंजीन बोल दे तो वो मीनिंग हो गया कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, और उस समय आपको वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का नहीं देगा, तब आपको 180 मानना पड़ेगा। अब जो यूनिट आपको यहाँ दी है उसके हिसाब से आप वहाँ पर 180 के बराबर क्या है वो रख लेंगे, टोर है तो टोर रख लेंगे, सेंटीमीटर एसजी है तो सेंटीमीटर एसजी रख लेंगे, बार में दिया रह सकता है, पास्कल में दिया रह सकता है, पास्कल ही क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, पास्कल ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो ये इनमें से कुछ भी आपको दिया जा सकता है। तो जरा सा बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिख लीजिए कि भैया बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, कि देखिए हमको पता है कि आपको पता है कि सर हमको बॉइलिंग पॉइंट पता है, पर मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है, हमेशा मैं ये मान के चलता हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता है, और अगर मैं ये मान के चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता है तो आप नुकसान में नहीं है, आप फायदे में। जिस दिन मैंने ये मान लिया कि आपको ये चीजें आती हैं उस दिन आप घाटे में चले जाइए, आपको लगेगा कि अरे यार ये तो आ दे रहा था, सर ने बताया नहीं, सर ने कह दिया कि ये तो आप पढ़े, ये तो आप 9th में पढ़े हैं, तो आप 10th में पढ़े हैं, तो आप 11th में पढ़े, मतलब इस तरह की चीज़ें जब मैं बोलने लगूंगा ना तो आपको दिक्कत होगा। तो हमेशा मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, आप जीरो है, जीरो बटा सन्नाटा होता है ना, एक बोलते जीरो बटा सन्नाटा, तो वैसा है। तो आइए बॉइलिंग पॉइंट को समझा जाए, बॉइलिंग पॉइंट को समझा जाए, ठीक है। टेम्परेचर इसमें लिखेंगे आप, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड।
लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, अब एक टर्म आता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है, देखिए मैं बताऊं आपको। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर हो जाना बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, लेकिन क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह पर 1 atm होता है? तो आपका जवाब आएगा नहीं भाई। अच्छा जवाब तो यही है कि नहीं आना चाहिए। आपका जवाब आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि जैसे 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 सी लेवल से ऊपर जाते हैं प्रेशर घटता जाता है, और जैसे जैसे सी लेवल से नीचे जमीन के अंदर जाने लगते हैं प्रेशर बढ़ने लगता है। तो जब बाहर का प्रेशर बढ़ने लगेगा, जो बाहर का जो प्रेशर होगा उसी को तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। तो भैया आप शिमला में, शिमला के हिमालय की पहाड़ी पे चले जाओ तो वहाँ पर प्रेशर कम होगा, तो वहाँ प्रेशर कम होगा तो वहाँ चीज़ें जल्दी बॉयल होंगी। माइंस में घुस जाओ तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा तो वहाँ चीज़ें लेट में बॉयल होंगी। तो वो अगल बगल का जो प्रेशर है उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जा रहा है। लेकिन नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो अगर हम बात करें नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की, तब हम ये मान के चलते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 atm है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, 1 atm। तो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm प्रेशर कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब यही नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है जो वाटर का कितना है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 100 सेल्सियस है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 सेल्सियस है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर में यही डिफरेंस है कि पहाड़ों पर जाकर अगर आप वाटर को बॉइल करते हैं तो 100 सेल्सियस से कम पे बॉइल होने लगेगा। तो फिर आप वहाँ डेफिनेशन तो ये बोलेंगे ना कि भैया जो भी एक्सटर्नल प्रेशर है उसके बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हमेशा सी लेवल पे बोली जाती है, और सी लेवल पे, सी लेवल का मतलब समुंदर के पानी के लेवल में। तो सी लेवल पर 1 atm प्रेशर माना जाता है। अब आपका घर कहीं भी हो, चाहे आप उड़ीसा में रहते हो, अब उड़ीसा में रहते हैं आप, भुवनेश्वर में रहते हैं तो आप सी लेवल पे ही रहते हैं, लेकिन आप आसाम में रहते हैं तो आप सी लेवल पे नहीं हैं, आप वाराणसी में रहते हैं तो आप सी लेवल पे नहीं हैं, आप मुंबई में रहते हैं तो आप सी लेवल पे नहीं हैं। हाँ, मुंबई में भी सी लेवल पे आ ही जाते हैं, लेकिन पानी भर जाता है तो इसका मतलब है कि गड़बड़ तो कुछ जगह पानी भर जाता है ना, तो वो सी लेवल से नीचे चले जाते हैं। खैर जो भी है मामला यही है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो आगे हम बात करते हैं किसकी, केस टू की। अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी, केस वन की। अभी तक हम बात कर रहे थे केस वन की, अब हम बात करेंगे केस टू की। केस टू क्या है? तो केस टू है, अभी तक हम सोल्यूट को नॉन वोलाटाइल मान रहे थे, लेकिन अब सोल्यूट भी क्या होगा, वोलाटाइल होगा। केस टू, केस टू, व्हेन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलाटाइल,
व्हेन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलाटाइल, सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों ही वोलाटाइल है। तो हमने यहां लिख दिया सोल्यूट जो हम बी मानते हैं, और हमने यहां लिख दिया सॉल्वेंट जो हम ए मानते हैं, ठीक है। अब हमारा फिजिकल स्टेट, दोनों ही क्या होंगे, लिक्विड होंगे। फिजिकल स्टेट दोनों ही क्या होंगे, लिक्विड होंगे। नेचर कैसा होगा, तो कैसा, बड़े नेक दिल वाला होगा नेचर तो उसका। तो नेचर जो होगा उसका वोलाटाइल होगा, एक मूवी देखी थी मैंने 30 मार खा है, तो उसमें गाना बड़े दिल वाला बड़े दिल वाला, वो 30 मार खा में बड़े दिल वाला, इतनी घटिया मूवी थी। मैंने कई ऐसी अक्षय कुमार की मूवी देखी और उसके बाद मुझे ये लग गया कि इन अक्षय कुमार की मूवी आज के बाद मैं देखूंगा नहीं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड है ये पी नॉट बी, और इसका हमने ले लिया पी नॉट ए है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मिक्सर में, मिक्सर में, तो ये क्या हो जाएगा, पी बी ले लेंगे और इसको पी ए ले लेंगे। मोल फ्रैक्शन इसका इलेक्ट्रिसिटी की बच्चों थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन कल से ये दूर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ये क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन बी प्लस एन ए, ठीक है। ये हमारा अब या उसमें और तो सेकंड केस और फर्स्ट केस में केवल ये अंतर है कि ये जो नेचर है ये नॉन वोलाटाइल था और यहाँ पर जीरो था, ये दो चीज़ें थी मेन, और ये भी नहीं था कुछ, तो मतलब ये और ये मतलब बहुत सी चीज़ों का अंतर हो गया। मैंने कहा ये सॉलिड था, ये नॉन वोलाटाइल था, ये था ही नहीं, ये था ही नहीं, ये था। तो आइए जरा सा सोल्यूशन बना कर देखा जाए, सोल्यूशन को बनाया जाए। तो सोल्यूशन बनाने से पहले आपको एक बात माननी पड़ेगी, कुछ जो है सपोज करना पड़ेगा कि भैया क्या सपोज किया जाए, ऐसा क्या है सर, ऐसा क्या सपोज करवाना चाहते हैं। तो सपोज ये करवाना चाहते हैं कि आप ए या बी, दो लिक्विड है ए या बी, दोनों में से किसी एक को ज़्यादा वोलाटाइल मान लीजिए। तो मान लेते हैं कि सपोज ए इज मोर वोलाटाइल देन बी, अगर ए ज्यादा वोलाटाइल है तो ए का वेपर ज्यादा बनेगा, ए का वेपर ज्यादा बनेगा, और अगर ए ज्यादा वोलाटाइल है ए का वेपर ज्यादा बनेगा, वेपर का मॉलिक्यूल ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा लगेगा, तो हम बोलेंगे कि पी नॉट ए पी नॉट बी से क्या होगा, ज्यादा होगा यहाँ पर वो। अब वैसे कोई भी मतलब दो लिक्विड आपने मिला दिया, बेंजीन टॉल्विन मिला दिया, दोनों में से कोई एक ज़्यादा वोलाटाइल होगा, तो कोई भी दोनों में से एक जो है ज़्यादा वोलाटाइल होगा तो वो तो वहाँ क्वेश्चन में तो समझ में आ जाता है, यहाँ पर तो एक आपको मानना पड़ जाएगा कि एक ज़्यादा वोलाटाइल है। तो आप क्या करते हैं कि मान लीजिए कि आपने एक सोल्यूशन ले लिया और यहां पर आपने ये भर दिया ऐसे, ये हो गया हमारा प्योर ए, हो गया प्योर ए, P
प्योर ए का ये वेपर सरफेस पर है और फिर ये वेपर हवा में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर लग रहा है वो पी नॉट ए लग रहा है, ये पी नॉट ए लग रहा है, ठीक है। जब आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, एन ए है, नंबर ऑफ मोल्स एन ए है, ये हमारा ए है, ये हमारा कंपोनेंट ए है। अब हमने इसी तरीके से एक और कंपोनेंट ले लिया जो वो भी वोलाटाइल है और इसको हमने ब्लू कलर से दिखा दिया ताकि थोड़ा सा अलग भी लगे और भैया आपको देखने में भी बढ़िया लगेगा, है, देखने में भी तो बढ़िया लगना चाहिए आपको। तो ये प्योर बी है और यहाँ पर जो होगा वो पी नॉट बी इसका वेपर प्रेशर होगा और इसका मोल जो होगा वो एन बी होगा, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन बना दिया गया, अब दोनों को मिला के बनाया गया तो दोनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी, अब हमें B की भी ज़रूरत पड़ेगी, हमें A की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ऐसे B A सब ले लिया और यहाँ पर भी हमने डाल दिया इसको, वेपर फेज में भी डाल दिया। तो ये क्या है, ये है मिक्सचर ऑफ A एंड B। अब ये प्योर A था, वो प्योर B था, ये मिक्सचर ऑफ A एंड B है, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक के लिए पी ए हो जाएगा, अब ब्लू के लिए पी बी हो जाएगा। अब पी नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि प्योर नहीं है ना कोई, तो पी नॉट नहीं लिखेंगे, पी नॉट नहीं लिखेंगे। अब क्या होगा, अब हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स है वो ए के लिए है एन ए, बी के लिए है एन बी, अच्छा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ऐसे हो गया। ये हमारा क्या है, ए प्लस बी है, ये पूरा सॉल्यूशन हमारा क्या है, ए प्लस बी है। तो हमने ए प्लस बी ले लिया, ठीक है। अब खास बात यहाँ पर जो पी टोटल ऑफ सॉल्यूशन को हमने कैपिटल पी मान लिया, पी टोटल ऑफ सॉल्यूशन को क्या मान लिया, कैपिटल पी। तो कैपिटल पी इज इक्वल टू हो गया पी ए प्लस पी बी, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, सम ऑफ मतलब जोड़ा जाता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। तो ये सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट इज, अब पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन, पी बी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी
पार्शियल वेपर प्रेशर बोल दीजिए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द सोल्यूशन, पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सोल्यूशन, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया आपका वेपर प्रेशर, प्योर का वेपर प्रेशर आ गया। अब जब आप प्योर का वेपर प्रेशर ले आए, अब आप जब प्योर का वेपर प्रेशर ले आए तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि आपने बोला था कि पी नॉट ए इज हायर देन पी नॉट बी, तो पी नॉट ए पी नॉट बी जब भी आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, जब आप कैपिटल पी निकालेंगे तो जब भी आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा तो हायर वेपर प्रेशर वाले से कम आएगा। मतलब प्योर, प्योर में दो चीजें आपने ली है ए एंड बी, एक का वेपर प्रेशर हाई है दूसरे का वेपर प्रेशर कम है, तो हायर वेपर प्रेशर जिसका है उससे वैल्यू कम आएगी टोटल पी की सॉल्यूशन के, और लोअर वेपर प्रेशर जिसका है उससे वैल्यू ज्यादा आएगी सॉल्यूशन की, समझ में। तो ये याद रखेंगे तो इससे क्या होगा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर आप क्वेश्चन दिया हो और निकालना पड़े तो आप गलत नहीं करेंगे। तो अब पी क्या है, पी है पी ए प्लस पी बी, ये क्या है, ये है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अच्छा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये क्या है, ये राउल्स लॉ है, ये क्या है, राउल्स लॉ है। तो अगर आप पी ए की जगह पर ये रख दें और पी बी की जगह पर ये रख दें तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, राउल्स लॉ को फॉलो करवा रहे हैं। तो आपका P इज इक्वल टू हो जाएगा P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B, P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो ये आपका पूरा बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, जब दोनों ही लिक्विड क्या हो, वोलाटाइल हो, तो उस समय उसको क्या बोल दिया जाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन बोल दिया जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलो तो अब हम बाइनरी सॉल्यूशन पे पहुंच गए हैं। इसके बाद अब हमारा जो भी टॉपिक होगा, मतलब अब इसके बाद हम इसी को लेकर चलेंगे, तो इसी को लेकर चलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम इसी के बारे में बात करेंगे और इस पर तब हम क्वेश्चन कराना स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। तब तक आप ये रिवाइज कर लीजिएगा कि कौन सी चीज़ क्या है, समझ गए, तब तक आप ये रिवाइज कर लीजिएगा कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है बच्चों, नमस्कार।